everyone, welcome to Medipedia. My name is Shipra Goyal. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी के टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। उन कॉलेजेस के साथ साथ उनकी ये भी देखेंगे कि नीट में कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आपको इन टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। तो आज हम लोग एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ 2024 डिस्कस करेंगे, जिसको डिस्कस करने के लिए आपको नीट की 2023 की कट ऑफ इस वीडियो में बताई जाएगी। जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कैटेगरी की डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ये कट ऑफ्स हैं ये स्टेट कोटा काउंसलिंग की हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये ऑल इंडिया कोटा की नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल का बेनिफिट है, या फिर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ की मीट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे KGMU लखनऊ, जो कि टॉप मेडिकल कॉलेज है यूपी में। यहाँ पे अगर बात करते हैं, जनरल कैटेगरी में 670 मार्क्स पर लास्ट सीट मिली थी, ओबीसी कैटेगरी में 661 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 521 मार्क्स पर, एसटी कैटेगरी में 360 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट मिली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज लखनऊ। जनरल कैटेगरी में बात करें तो 646 मार्क्स पर लास्ट सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 637 मार्क्स पर, ओबीसी कैटेगरी में 636 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 551 मार्क्स पर, एसटी कैटेगरी में 452 मार्क्स पर यहां पर सीट मिली है। जब मैं कट ऑफ डिस्कस कर रही हूं तो मैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों में से कौन से राउंड में सबसे कम मार्क्स पर सीट अलॉट हुई है वो सारी डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। जो थर्ड नंबर पर आता है वो है कानपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दैट इज गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। जनरल कैटेगरी में 635 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 647 मार्क्स पर, ओबीसी कैटेगरी में 648 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 540 मार्क्स पर एंड एसटी कैटेगरी में 439 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। फोर्थ नंबर पर आता है आपका प्रयागराज का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दैट इज योर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। जनरल कैटेगरी में 632 मार्क्स पर यहाँ पर सीट मिली है, ओबीसी कैटेगरी में 643 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। एंड जो जनरल सीट मिली है वो राउंड 3 में जाकर मिली है, राउंड 1 में जो कट ऑफ थी वो ज्यादा थी, 647 में थी, एंड राउंड 2 में 646 एंड राउंड 3 में जाके 632 मार्क्स पर भी सीट मिली है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले राउंड में कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत बार राउंड 3 में कट ऑफ ज़्यादा होती है, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसलिए आपको अगर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में तो आप ज़रूर उसको ले लीजिए, बट अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। EWS कैटेगरी में 643 मार्क्स पर, SC कैटेगरी में 528 मार्क्स पर सीट मिली है। फिफ्थ हम लोग बात करते हैं ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, जिम्स ग्रेटर नोएडा। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश स्टेट में एडमिशन ना लेके वो चाह रहे हैं कि उनको एक दिल्ली NCR का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, बट साथ ही साथ उनको यूपी के स्टेट कोटा का भी बेनिफिट मिल जाए, तो जिम्स ग्रेटर नोएडा उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। बहुत ही नीट एंड क्लीन मेडिकल कॉलेज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अकेडमिक्स अच्छा है, क्लिनिकल अच्छा है। जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 645 मार्क्स पर लास्ट सीट मिली है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 640 मार्क्स पर, ओबीसी कैटेगरी में 632 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 521 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट आपको अलॉट हुई है। सिक्स्थ हम लोग बात करते हैं लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरठ में लोकेटेड है। जनरल कैटेगरी में 638 मार्क्स पर, ओबीसी कैटेगरी में 631 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 505 मार्क्स पर एंड एसटी कैटेगरी में 437 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। सेवन्थ हम लोग बात करने वाले हैं गोरखपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। जनरल कैटेगरी में 642 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 626 मार्क्स पर, ओबीसी कैटेगरी में 630 मार्क्स पर एंड एससी कैटेगरी में 516 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 365 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट लॉट हुई है। एट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज, जो कि आगरा में है। जनरल कैटेगरी में 638 मार्क्स पर, ओबीसी कैटेगरी में 631 मार्क्स पर,
एसटी कैटेगरी में स्कोर 99 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। नाइन्थ हम लोग बात करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, जनरल कैटेगरी में 639 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस 636, ओबीसी में 635 पर, एससी कैटेगरी में 504 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 381 मार्क्स पर यहाँ पर सीट अलॉट हुई है। टेंथ हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो कि इटावा में है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 635 मार्क्स पर, ओबीसी कैटेगरी में 630 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 633 मार्क्स पर, एससी कैटेगरी में 503 मार्क्स पर एंड एसटी कैटेगरी में 378 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। अगर आप ऐसे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ का जानना चाहते हैं जहाँ पे सबसे कम मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, वो भी हम लोग आपको कमिंग वीडियोस में शेयर करने वाले हैं। हम आपको ये भी शेयर करेंगे कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम गई है, तो उसके लिए मेडिपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर किसी कारण से आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मार्क्स नहीं आ पाए तो भी हम लोग आपको लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में एडमिशन करवाने में ज़रूर हेल्प करेंगे। वी विल मेक श्योर दैट आपका ईयर वेस्ट ना हो, आपका साल खराब ना हो और आपको बेस्ट से बेस्ट इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।